गांधीग्राम घाटशेड़ा में राहुल गांधी के विचारों को आफताब अहमद की अगुवाई में समर्थन। पूर्व सरपंच असद सहित सैकड़ों बीजेपी इनेलो कार्यकर्ता छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए हैं। हरियाणा में चुनाव तारीख को भले ही संशय हो, लेकिन प्रदेश के दक्षिण जिला नुह में कांग्रेस विधायक दल के उपनेता चौधरी आफताब अहमद को समर्थन देने वालों के मन में कोई संशय नजर नहीं आ रहा है। आज बुधवार को नुह विधानसभा के गांधीग्राम घासेड़ा में पूर्व सरपंच सहित सैकड़ों लोगों ने बीजेपी इनेलो जजपा जैसे दलों को छोड़कर कांग्रेस का दामन थाम लिया। आपको बता दें कि बीजेपी व अन्य दलों को छोड़कर कांग्रेस में शामिल होने वाले लोगों ने कहा है कि 10 सालों में प्रदेश में बीजेपी का शासन है, लेकिन नुह जिले को कोई भी विकास नहीं मिला, बल्कि इलाके की शांति व कानून व्यवस्था को भी कमजोर करने की कोशिश की गई। मूलभूत सुविधाएं जैसे बिजली, पानी, सिंचाई सुविधाएं बीजेपी सरकार देने में असमर्थ रही। स्थानीय बीजेपी उम्मीदवार रहे नेता भी आम जनता के बीच से जरूरत के समय गायब रहे और स्थानीय हितों के बजाय व्यक्तिगत हितों को सर्वोपरि रखा। नुह से कांग्रेस विधायक आफताब अहमद ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि गांधीग्राम घासेड़ा ने राहुल गांधी की पद यात्रा के दौरान ही साबित कर दिया था कि पूरा गांव गांधी की विचारधारा का समर्थक है और भाईचारे को मजबूत करने का हिमायती रहा है। आज गांधीग्राम घासेड़ा में राहुल गांधी की नीति और नेतृत्व को समर्थन मिलना इसी का परिचायक है। उन्होंने कहा कि भारत को अंग्रेजों से आज़ादी बंटवारे की त्रासदी के साथ मिली थी। तब से देश के कई हिस्सों में सांप्रदायिक दंगे हुए थे। ऐसे समय में मेवातियों ने भारत को महात्मा गांधी के आह्वान पर अपना देश चुना था। गांधी अपनी हत्या से करीब एक माह पहले 9 दिसंबर 1947 में मेवात की यात्रा पर आए थे। उन्होंने मेवात के मुसलमानों से भारत में ही रहने का आह्वान किया। गांधी की अपील पर मेवात के मुसलमानों ने यहीं रहने का मन बना लिया था। आप देखें नुह मेवात से लियाकत अली की रिपोर्ट। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।